Hi guys, Sacred Games Season 2 has left us all with a lot of alarming questions. Was Sartaaj able to defuse the bomb? What will happen in Season 3? Will there be a Season 3? Season 3 या Season 4 भी होगा? जैसा सैफ अली खान ने अभी रिसेंट इंटरव्यू में बताया कि Sacred Games के 4 सीजन होने वाले हैं, जिसका सीधा मतलब यह है कि सरताज ने बॉम्ब ऑलरेडी डिफ्यूज कर दिया है। तो अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर। व्यूअर्स को ये लगता है कि बुक में और नेटफ्लिक्स की सीरीज में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट देखो यार क्या है ना कि अगर सिनेमा वाइज देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती है। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो बुक और सीरीज़ के डिफरेंसेस बताता है। वीडियो में हैवी स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो पहला डिफरेंस ये है, अकॉर्डिंग टू बुक गायतुंडे ने गुरुजी को नहीं मारा। इट मीन्स गायतुंडे के मरने तक गुरुजी जिंदा थे। अकॉर्डिंग टू द बुक सरताज के जो फादर हैं दिलबाग सिंह, उन्होंने गुरुजी का आश्रम कभी ज्वाइन ही नहीं किया। बुक में तो ये तक मेंशन है कि दिलबाग और गायतुंडे कभी मिले ही नहीं है, और ना कभी दिलबाग सिंह ने गायतुंडे की हेल्प की है। गायतुंडे और गुरुजी के बीच कभी कोई इंटीमेसी रही नहीं, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है बुक में। ये शायद इन्होंने वाइल्ड वाइल्ड कंट्री देखकर इस पॉइंट को सीरीज में मेंशन किया है। मेलकम पूरी बुक में सिर्फ एक ही बार मेंशन हुआ है, वो भी जब वो सरताज का अंगूठा काटता है। उसके अलावा पूरी बुक में मेलकम का जिक्र कहीं भी नहीं है। बुक में गोची जैसे ड्रग का कोई जिक्र कहीं पर भी नहीं है। शाहिद खान भी बहुत कम ही मेंशन हुआ है बुक के अंदर, सिर्फ एक या दो बार। इसके अलावा कल्कि का जो कैरेक्टर है बाटला, वो बुक में है ही नहीं, वो सिर्फ सीजन के लिए इन्होंने क्रिएट किया है। बुक में बॉम्ब डिफ्यूज करने का कुछ भी मेंशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू द बुक भोसले इज नॉट किल्ड बाय पारुलकर, ऑल्सो पारुलकर डज नॉट कमिट सुसाइड। केनिया का पूरा सीक्वेंस बुक में मेंशन नहीं है। बुक में सिर्फ थाईलैंड और सिंगापुर का मेंशन है। अंजलि माथुर का जो कैरेक्टर है, जो राधिका आप्टे ने प्ले किया था, बुक में वो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है, बट यहाँ सीजन 1 में ही उसको मार दिया था। सीरीज़ में बहुत सारे सब प्लॉट्स हैं, लेकिन बुक में ऐसा नहीं है। तो ये कुछ मेनली डिफरेंसेस हैं, बाकी और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अभी सीज़न 3 और सीज़न 4 तो बाकी है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।